अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ लब्बे शीरी ईद के स्पेशल दिन पे। इसके लिए मैंने ले ली ये कस्टर्ड लिया है वनीला ग्रीन कलर में, और ये फ्रूट कैन ले लिया है, फ्रूट निकाल लिया है, ये उबाल कर लिए मैंने सेवैयाँ, ड्राई फ्रूट लिए, जेली ले ली है, इनको मैंने बना के तैयार करके रख लिया है। ये देखें ये तैयार हो चुकी है। दो लीटर दूध भी है, उसमें मैं मुझे रेसिपी बनाऊंगी। ये अभी दूध मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, जब इसमें बॉयल आएगा उसमें मैं कस्टर्ड डाल दूंगी, इसमें मैं चीनी डालती हूँ। ये कप मैंने चीनी ले ली है, उसमें डाल देती हूँ। ताकि इसको ऐसे हिलाती रहूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूंगी। ये ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ डालती रहूँगी ताकि ये जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें डाल सकूँ। इस तरह साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे और साथ साथ इसको डालते रहेंगे। देखिए अभी ये गाढ़ा हो चुका है, ये इस तरह का हो चुका है। थोड़ी देर पकने के साथ साथ ये गाढ़ा होता रहेगा, जब जब ये गाढ़ा इतना है इससे थोड़ा गाढ़ा और करना है, थोड़ा सा और डालूंगी मैं इसमें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखता है क्योंकि लबे शीरी और वो लबे शीरी नहीं बनेगी, कस्टर्ड बन जाएगा। ये ऐसा ही मुझे चाहिए था बिल्कुल। इससे इसमें मैं जो सेवियाँ बॉयल करके रखी थी वो डाल दूंगी। इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है इसके ऊपर, नहीं तो ये मलाई जो होती है ना वो आ जाएगी। अब इसका मैं तो आ गया, इसको बंद कर दूंगी, जैसे चूल्हा ऑफ कर दूंगी। तो फिर इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी, उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी, साथ साथ डालूंगी क्या क्या जाएगा इसमें। अभी ये तैयार हो चुका है लबे शीरी का, जो ये तैयार हो चुकी है। इसको चम्मच ऐसे ही चलाते रहना है इसमें, उसके बाद जो बाकी की चीज़ें ठंडा होने पर इसमें मैं डालूंगी। ये तो गर्म में डाल सकते हैं, जो बादाम ड्राई फ्रूट है वो अभी मैं डाल देती हूँ। ये मैंने जितना कस्टर्ड लिया है जितनी चीनी उतने ही मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, आधा कप। मैं सारे ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, ऐसे चम्मच चलाते रहने, चम्मच नहीं छोड़ूंगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ये नहीं तो लबे शीरी नहीं पिघलती, वो कस्टर्ड बन जाता है। लबे शीरी का ये होता है इसका, ये इस तरह ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती, ज़्यादा पतली भी नहीं होती। ये देखें अभी ये मैंने जो सेवियाँ उबाइल की थी कलरफुल सेवियाँ, ये मैं इसमें ये डाल देती हूँ। इनको मैंने छान लिया, उबाल के छान लिया इनको, मैंने पानी इनका निकाल लिया, गर्म पानी से निकाल के फिर इनको मैंने ठंडे पानी में डाले। अब जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता रहेगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। ये जो मैंने मिक्स फ्रूट लिया है कैन, उसमें मैंने बनाना काट के डाले हैं दो, और अभी इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। उसको मैंने पहले कैन से निकाला है, निकाल के फिर मैंने पानी निकाल के इसको
साफ पानी से धोया है ऊपर से, साफ पानी इसमें डाल के उसमें से मैंने निकाल के अभी ये डाल दी। इसका कलर देखें और इसको ये इस तरह मुझे चाहिए। ये देखिए इसीलिए इसमें मैंने जो कस्टर्ड था मैंने कम मिलाया, ये फ्रूट से और गाढ़ा हो। ये देखिए फ्रूट डाला है, जो सेवैयाँ डाली हैं उससे ये और गाढ़ी हुई। अभी मैं इसमें आइसक्रीम डालूँगी, आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने आइसक्रीम ली है वो उसमें मैं डालूंगी, ठंडा ठंडी करके उसमें डाल के इसको फ्रीजर में रख दूंगी, फिर उसके बाद इसको सर्व करूंगी जब ये ठंडी हो जाए। और जेलियां भी इसमें बाद में जाएंगी, इसलिए कि गर्म में ये नहीं जाएंगी, गर्म में डालूंगी तो ये कलर छोड़ देंगी। पिस्ता वाली आइसक्रीम डाली ग्रीन कलर में, आपके पास अगर क्रीम है तो क्रीम डालें, मलाई है तो मलाई डालें, जो आपको पसंद हो वो डाल के आप मेहमानों को भी दें और खुद भी खाएं। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है, ये देखें बीच में मैंने ये जेलियाँ डाल दी है, ये ग्रीन कलर की जेली है, इसको मैंने ठंडा कर लिया काफ़ी, ये मैं ये डाल दूँगी, ये थोड़ी अलग से रखी है ऊपर से गार्निश के लिए। देखें अब ये ठंडी हो चुकी है, इसको मैं बोल में निकाल रही हूँ। ये देखें इसका कलर भी देखें और इसकी टेस्ट भी करें, बना के आप जरूर ट्राई करें फिर बताएं कि कैसे बने, ये रेसिपी कैसी लगी आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी। ये मैंने अपनी भाजी की फरमाइश पे बनाई, उन्होंने बोला है कि लबे शीरी बनाने की रेसिपी बताओ, इसलिए मैंने ये बनाई है ईद के स्पेशल दिन पे। देखें रेसिपी लबे शीरी की रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो आप भी बनाएं और ट्राई करें, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।